नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। चंपई सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूसरा झटका लगा है। पार्टी से निलंबित लोबिन हेम्ब्रम ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। लोबिन के आने से संताल में भाजपा मजबूत हुई। संताल परगना के बोरियो से निर्वाचित लोबिन हेम्ब्रम ने हेमता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और सीतो सोरेन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। लोबिन ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संताल परगना के लोकप्रिय नेता 5 बार विधायक रह चुके हैं। लोबिन ने इस मौके पर कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी के नए नेताओं से है। उस पार्टी में पुराने नेताओं की कोई इज्जत पार्टी में नहीं रही। धीरे धीरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता झामुमो से किनारा कर रहे हैं। अभी और कई और नेता पार्टी छोड़ेंगे। लोबिन ने आगे कहा, मैंने JMM को सजाने और संवारने का काम किया। आज भी मैं गुरुजी का भक्त हूँ, उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई है। चंपईदा के साथ मिलकर JMM को एक लक्ष्य तक पहुँचाने का संकल्प लिया था। गुरुजी के समय का झामुमो आज नहीं है, वो पूरी तरह बदल गया है। शराब नीति का जिक्र करते हुए लोबिन ने कहा, मैंने छत्तीसगढ़ शराब नीति का सदन के अंदर विरोध किया था। संताल परगना की डेमोग्राफी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा, बांग्लादेशियों की वजह से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, झारखंड दुर्गति हो रही है। मैंने प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर विश्वास जताते हुए BJP का दामन थामा है। आदिवासियों को उसके हक और अधिकार दिलाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव में राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पार्टी की तरफ से तत्कालीन सांसद विजय हासंदा को सीट सौंपी गई थी। JMM ने उन पर एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।